पंजाब टीवी दे जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी दे केंद्र दी मोदी सरकार विचकार टकराव तां दिल्ली विधानसभा दे इलेक्शन तो पहले ही चल रहा सी, पर हुण इह लड़ाई सिखर ते पुज गई है। जित्थों तक सवाल है केजरीवाल दे कानून मंत्री दा ते उन्हां दी डिग्रियां दे मुद्दे नूं लै के कई तरह की चर्चा जिहड़ी मीडिया दे अंदर सामने आई है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी दा कहना है कि जो हालात दिल्ली दे पैदा किए गए हैं उस तो लगता है कि एमरजेंसी वर्गी स्थिति मोदी सरकार ने बना रखी है। कई अहम मामले है, इन्हों सारे मुद्दों पर चर्चा साडे नाल जिहड़ा विशेष पैनल हाजिर है हरजीत सिंह गरेवाल, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब इकाई के सीनियर आगू हिम्मत सिंह शेरगिल, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता प्रीतम रुपाल जी चंडीगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट। मैं तिना मेहमानों जी हाँ आखदा। गरेवाल साहब, जिहड़ा ये आ रहा है इशू बार बार उभर के भी इस तरीके नाल जिदा केंद्र सरकार की कहा जा रहा आम आदमी पार्टी वालों कुछ दखलअंदाजी हुई है, जिहड़ा टकराव हैगा केंद्र दा ते आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दा, की वजह हैगी कि टकराव इन्ना सिखर ते क्यों पुज गया? इस तरह जी, आम आदमी पार्टी नूं तां जां तां कानून की समझ नहीं जां कंस्टीट्यूशन की समझ नहीं जी, उन्हें पूरी तरह पढ़ लेना चाहिए। पहली गल तो यह है कि जिहड़ा मुकदमा दर्ज होया जी वो बार कौंसल ने करवाया, उहदे प्रधान ने बकायदा किया जी, उन्होंने जांच कराई है। उहदे च मोदी जी कित्थों आ गए, बीजेपी कित्थों आ गई जां कांग्रेस कित्थों आ गई जी जी, इस तरह संस्थावां दे नां लैणा और प्रधानमंत्री तक नूं इनवॉल्व करना और डिग्री खुद जाली लई हुई है वो प्रूव नहीं कर पा रहे, अगे चीज़ां सामने आ जाणियां ने, यह कहण नाल की हुंदा कि पार्टी की उस संस्था की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हुंदी है कि लोग गलत गल्लां उठाउंदे ने। और दूसरा की है कि जिहड़ी सरकार चलदी है वह कंस्टीट्यूशन के हिसाब नाल चलदी है, उसनों पढ़ लेना चाहिए। हुण दिल्ली के बिच कैपिटल होण करके कंट्री जी दिल्ली सरकार कोल ज़्यादा अधिकार नहीं है, उहदे च लैफ्टिनेंट गवर्नर कोल ज़्यादा अधिकार ने ट्रांसफर वगैरह के, उस जबरदस्ती करना वो जदों सुप्रीम कोर्ट भी कहती है हाई कोर्ट भी उस चीज़ को मनती है, उन्होंने स्टडी करके कंस्टीट्यूशन की अपनी जजमेंट भी देती जी, उसके बावजूद उन्होंने गलों तो बाज नहीं आते। और ये की लगता कि लोग किस तरह धक्का करना चाहते हैं और किस तरह संस्थावां दे जां ऐसे प्रधानमंत्री के कंस्टीट्यूशन। गरेवाल साहब, जिदा तुम कह रहे हो शेरगिल साहब, जो इन्हों का कहना है कि भी कंस्टीट्यूशन की समझ नहीं ज कानून तौर पर सही तरीके पता नहीं कि दिल्ली सरकार किदा अपना काम काज चलाना चाहिए। शेरगिल साहब, इस तो पहला कि तुम गलबात करो मैं ये भी कहना चाहाँगा कि इस वेले देश के अंदर कला यह नहीं कि केजरीवाल की विरोधी सरकार है, इस तो पहला बिहार की गल कर लिए, बंगाल की गल कर लिए, होर कई स्टेट्स की गल कर लिए, उत्थे भी विरोधी सरकार है, पर इत्थे क्यों इन्ना टकराव तेज हो गया? देखो कि कितनी बुरी हार हुई बीजेपी दी जी इन्हां असैम्बली इलैक्शनां दे विच, सिर्फ तीन सीटां ही मिलियां, तीन असैम्बली सीटां, जदों कि आम आदमी पार्टी नूं 67 सीटां मिलियां जी। जिहड़ियां पार्लीमेंट दीआं इलैक्शनां होईआं सी उहदे च 60 असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसीआं च बीजेपी अग्गे सी, पर इन लैस दैन वन ईयर वह सिर्फ तीन ते रह गया काम, रिवर्स होया, मतलब इन्ना ज़्यादा होया। एक विंडिक्टिव तरीके दे नाल सारा कुछ हो रहा है। मैं भी बहुत विद ऑल वर्ड्स एट माई कमांड, मैं एक वकील हाँ, एक बैरिस्टर हाँ जी, जिहड़ी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुंदी आ, ट्रांसफर्स करनी आ, अपॉइंटमेंट्स करनी आ जी जी, वो उन्हां दा हुंदा है कि किनू होम सैकटरी कौन होगा, ये लीगली मैं गल कर रहा विद ऑल वर्ड्स एट माई कमांड, क्योंकि पहलों जिन्नियां गवर्नमेंटां रही हैं मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर रहे, सुषमा स्वराज चीफ मिनिस्टर रही जी, साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर रहे, उत्थे शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रहे जी, तुसीं ये देखो उदों सारा इतिहास फोल्ड के देख लो कि जिहड़ी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैगी है वो ये डिसाइड करती है कि कौन होम सैकटरी होएगा, कि जिहड़ा वॉइस रॉय हैगा ये एल जी हैगा वो डिसाइड करता जी जी, ये एक वॉइस रॉय वाली कार्रवाई है। डेमोक्रेसी आई इत्थे, इहो जी एक कोशिश इंदिरा गांधी ने भी पहलों की थी, आपां देखिया एमरजेंसी च की होया सीगा ते उहदा की जवाब मिलिया जी। पर इन्हों का यह कहना है कि भी जी तक तोमर की डिग्री का सवाल है, वह कहता साढ़े नाल कोई लेना देना नहीं, कानूनी तौर पर होया जो भी होया। हाँ, तोमर की जी डिग्री हैगी है वो इस तरह है
कि वो जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग आ जी जी दैट केस अगेन एज अ लॉयर विद फुल वर्ड्स एट माई कमांड में कह रहे हैं कि वो एक एलिगेशन है जी वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है जी जी द मैटर इज सब्जुडिस इन द हाई कोर्ट वाइल द मैटर इज सब्जुडिस इन द हाई कोर्ट ये जड़ी सारी कार्रवाई हैगी है जिस तरीके ना कीती गई ओके ये एक बड़ी विंडिक्टिव यूनिवर्सिटी ने भी अपना पक्ष रखा हुआ है तोमर जी ने भी अपना पक्ष रखा हुआ है हाई कोर्ट ने हजे फैसला करना है वाइल द मैटर इज पेंडिंग तुसी किवें जाके as if he is a terrorist ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਵਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਗਏ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਾੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ उस तो बाद हुण जिथे जिथे लैके जा रहे कल नूं सच्चाई सामने आ रही है जदों लोगों के असी दर्शकों के सामने इदां बोल रहे हैं ग्लोबल पंजाब दे ते उत्थे भी साडी क्रेडिबिलिटी खराब होनी है कि असी गलत बोलीए क्यों बोलीए जी वो तो कल सामने आ जाना कि वो सारा कुछ ही गलत आ रहा जिस तरीके सारा कुछ वापर रहा है जिहड़ा बहुत तेज टकरा जां उस शिखर वल नूं वध्या है कला सवाल तोमर की डिग्री का नहीं इस तो पहला भी सारे मुद्दे जिहड़े जुड़े है जिन्हां दा ग्रेवाल जी भी जिक्र कर रहे शेरगिल जी भी जिक्र कर रहे तुसीं बींग ए जर्नलिस्ट किवें देखदे हो सारे मामले सिद्धू साहब देखो जे तां इहनूं असीं सिर्फ कानूनी नुकता निगाह तों जां संविधान दे नुकता निगाह तों देखिया जावे तां गल होर है जी पर प्रैक्टिकली देखो जिहड़ी अज जिहड़ी मोदी साहब की सरकार है बार बार वो कह रहे असीं ट्रू जिहड़ा हैगा फैडरल सिस्टम लियाउण दी कोशिश कर रहे हां लागू करना चाहुंदे जां कोऑपरेटिव फैडरल सिस्टम की गल कर रहे हां पर जदों तुसीं दिल्ली दे मामले च आउंदे हां उत्थे असीं इह भुल जांदे हां ग्रेवाल साहब की गल ठीक है अपने इन्हां दे दृष्टिकोण तों पर एक जिहड़ा पोलिटिकल विजडम हुंदा जी वह किते मैनूं दिखाई नहीं दिंदा इहदे विच क्योंकि जे एक चुनी हुई सरकार है जिवें शेरगिल साहब ने कहा बड़ा वड्डा वह जिहड़ा हैगा मैंडेट लैके उह सरकार आई है तो उन्होंने जिहड़े काम दा क्योंकि मैं वो गल रिपीट नहीं करना चाहुंदा पहलां दिल्ली च किन्नियां सरकारां रहियां भावें ठीक है ग्रेवाल साहब की गल भी जिहड़े लैफ्टिनेंट जनरल सॉरी लैफ्टिनेंट गवर्नर कोल जिहड़े हैगे आ उह अधिकार ने सारे क्योंकि दिल्ली का एक स्टेटस इदां दा उस स्टेट का ते पर यह भी पोलीटिकल विजडम तो ये विच है भी केजरीवाल साहब नूं काम कर देना चाहिए उत्थे पर जिहदे विच अड़के बिना मतलब डाए जा रहे उन्हें डाए जाने चाहिए देखो जी इन्हां दा कहना कि लगता है कि जिहड़ी केजरीवाल सरकार है उन्हूं मोदी सरकार सबक सिखाउण लई इह सारा कुछ कर रही है देखो जदों बीजेपी की सरकार आई जी तां कई बार केंद्र च कांग्रेस की सरकार सी जी जी ते जदों कांग्रेस की सरकार आई एक बार बीजेपी की सरकार भी सी केंद्र च जी जी पर कदे भी यह समस्या खड़ी नहीं हुई क्योंकि जिहड़े सीएम सीगे जिस तरह शीला दीक्षित सी जां बाकी लोग सी वो कंस्टीट्यूशन नूं फॉलो करते सी जी जी कंस्टीट्यूशन नूं फॉलो नहीं कर रहे इस करके समस्या आ रही है जी हुण उत्थे जिहड़ी एमसीडी आ उस च इस वेले बीजेपी आ एमसीडी नाल भी टकराव कर रख्या कदे भी नहीं तो एमसीडी पहला बीजेपी की एमसीडी सी और कांग्रेस की सरकार सी उत्थे प्रदेश के अंदर वो यूटी है यूनियन टेरिटरी है वो स्टेट का पूरी का दर्जा नहीं है उसके कोले उसनों समझना चाहिए उस हिसाब नाल चलना पौगा ओके ग्रेवाल जी कितने ये तो नहीं लगता कि भी इस वेले लगता कि देश कांग्रेस बहुत पिछे चली गई है आम आदमी पार्टी तो बीजेपी समझिए कि नैशनल लैवल से टकरा ये आम आदमी पार्टी एक शहर की पार्टी है उत्थे सरकार बनी दिल्ली एक सिटी है जी जी और की है जी तो यूटी है वो तो इस करके जिहड़ा ये सोच रहे हैं कि भाई सानू कोई इन्हां कोलों डर है डर किसी नूं कोई नहीं है ओके। मगर कंस्टीट्यूशन नूं फॉलो मोदी जी नूं भी करना पड़ेगा कंस्टीट्यूशन नूं फॉलो बीजेपी भी करेगी कांग्रेस भी करेगी और आम आदमी पार्टी भी करेगी नहीं तो सरकार नहीं चलेगी ओके ग्रेवाल जी शेरगिल साहब असीं ब्रेक वल जा रहे हैं ब्रेक तो पहला मैं अपने दर्शकों लिए जानना चाहांगा कि उत्थे जिहड़ा दिल्ली जो कुछ हो रहा है वह संविधानिक हो रहा है जां नहीं हो रहा जां की आम आदमी पार्टी एक शहर की पार्टी है बिल्कुल संकेत अच्छा एक मैं पहले एक गल क्लैरीफाई करना चाहूँगा जिहड़ा इन्होंने क्या जिहड़ी गल कर रहे तोमर जी की गल कर रहे थे बाकी पिछलियां इलैक्शनां जिहड़ियां होईयां विधानसभा दीआं असीं एक रजौरी गार्डन तों कैंडिडेट नूं टिकट दित्ती सी जिहदा नाम सी प्रितपाल सिंह सलूजा ओके बिल्कुल इलैक्शनां तों पहलों सानूं पता लग गया कि इन्हां दे खिलाफ एफ आई आर हैगी की हैगी आ सामने सारे फैक्ट्स आ गए जी जी असीं इह वी कह दित्ता सीगा कि इह बिल्कुल साडे कैंडिडेट नहीं हैगे सो गल इह आ कि जे सानूं पता लग जावे
जो गल कन्फर्म हो जाए उदों की कहिंदे आ अरविंद केजरीवाल तुसीं देखो असीं पंजाब दे विच वी असीं अपने कैंडीडेट्स नूं टिकट अनाउंस करके भी असीं की कहिंदे कैंसल कीता ही इज़ फॉलोइंग दी हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज़ ओके 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 हां एक गल बड़ी होर कई अहम मुद्दे आपां गल करदे आं असीं अपने मेहमानां दे नाल चर्चा कर रहे हां आम आदमी पार्टी दी दिल्ली दी जिहड़ी केंद्र सरकार हैगी आ दोनों च टकराव सिखर वल क्यों जा रहा है कई अहम मामले है पर वक्त है हुण छोटे जिहे ब्रेक दा ब्रेक तों बाद इस मुद्दे ते वापस आउंदे आं ग्लोबल पंजाब टीवी के दर्शकों का मुड़ एक बार स्वागत है श्री गिल साहब जिदा आप डिबेट तो पहला जो बहस जी है ब्रेक तो पहला चर्चा कर रहे थी इसके इन्हों का कहना है कि भी एक आम आदमी पार्टी सिर्फ शहर की पार्टी है जहाँ का कहना कि बदलियां करने का अधिकार तो हो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लैना किसी की सरकार को फेल करने वाली गल नहीं है इस तरह जी बिल्कुल लीगली जिहड़ियां पावर्स हैगियां मैं एज अ वकील दोबारा कह रहा तुसीं इतिहास दिल्ली का फरोल के देख लो मैं गरेवाल साहब नूं पुछदा जो मदन लाल खुराना उत्थे चीफ मिनिस्टर सन बीजेपी के जदों उत्थे साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर सन जदों उत्थे सुषमा स्वराज चीफ मिनिस्टर सन जी जदों उत्थे शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर सन उदों जिहड़ियां अपॉइंटमेंट सीगियां जिहड़ियां ट्रांसफर सीगियां ओह कौन करदा सी कौन किवें कौन करदा सी क्योंकि गल ये कि दिस इज़ अ डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड गवर्नमेंट जी जी ये तो जी गल है ना दिस इज बेसिकली आई विद ऑल वर्ड्स एट माई कमांड एज अ बैरिस्टर एज एन एडवोकेट आई एम सेइंग दिस दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1947 देश आजाद होया उस तो बाद डेमोक्रेसी हुई उस तो पहलों इतने वाइस रॉय के इतने ऑर्डर चलते होंगे हुण लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ वाइस रॉय ही इज़ नॉट इलैक्टेड ये जी इलेक्शन हुई है लोगों ने इन 96% बिल्कुल ठीक तुसी पहला भी कही है गल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं इस मुद्दे पर आना कि भी जोड़े फैडरल सिस्टम केहो जे अधिकार होने चाहिए है प्रीतम जी थोड़े वाल आ रहे हैं तुसी इस तो पहला कुछ कहना चाहते हो मैं ये कहना चाहना कि बाकी चीज़ा तो ये आम आदमी रिप्रजेंट करते हैं सीनियर लीडर ने जी 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 तो मैं इन्होंने को एक चीज़ पूछनी चाहना कि जो सोमनाथ भारती का किस्सा होया उसकी धर्मपत्नी ने जाके कंप्लेंट्स कीतियां ने वो भी बीजेपी ने जां प्रधानमंत्री जी ने उसे मार कुटाई करके जाके करवाता जां वो कोई सच्चाई हैगी और उसे की कार्रवाई करनगे एक महिला के नाल इस तरह का अत्याचार किया जाए और इस तरह दरकतं हो रिस्पोंसिबल मिनिस्टर रहा हो और अब MLA हो मान योग तो बारे की विचार ने इन्होंने वो भी दस देन बीजेपी ने संखेप क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल बहुत समान नहीं देंगे देखो जी मैं भी टेलीविजन कल देखा सोमनाथ भारती जी ने भी अपना स्टैंड रखे एक एलीगेशन वो ये कह रहे कि एलीगेशन जो उन्होंने क्या देखो बाकी उन्होंने ये क्या जो कल सोमनाथ भारती जी टेलीविजन दे मैं कल देखा NDTV आ रहा दो चैनल और आ रहे थे उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट है कि मेरी मदर हैगी ने ओल्ड मदर आ जो उन्होंने कहा तो जी मेरी वाइफ आ वो ये कह रही है जो उन्होंने कहा कि जी मेरी ओल्ड मदर आ इन्हों तुसी इत्थों की ओके सिरगल जी चलो अपना मार कुटाई दे निशान ने वो भी गलत ओके सिरगल जी अज दी अपनी बहस दा मुद्दा भी नहीं है कोई प्रीतम जी जिदा कई इशू इलेक्शन के दौरान भी उठते रहे आम आदमी पार्टी के चैनल्स के उत्ते तुसी भी देखिया सी देखिया कि पूरा सारा सार दिन डिबेट चलती रही उन्होंने मुद्दों से अगले दिन आप जाते तो मुद्दे बिल्कुल साफ होंगे सो यह जो इंडिविजुअल एलीगेशन वो तो आने वाले दिनों पता लग जाएगा की है की नहीं है पर सवाल यह पैदा होंगे जो इशू उठ रहा कि जिदा ट्रांसफर का इशू है चीफ सैकटरी लॉन का इशू है दूजे अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल है की वो जो किसी राज्य सरकार के अधिकार खेत्र होना चाहिए जो गवर्नर के अधिकार चाहती है गल नहीं जितों तक तो देखो जिहड़ी जिस तरह का दिल्ली का जो स्टेटस है जी जी ते जां जो जिहड़ियां गल्लां रिटन ने हां पर ये सारियां गल्लां जिदां रिटन हुंदियां इदां चलदियां नहीं हुंदियां बहुत रवायतां नाल भी बहुत कुछ चलदा हुंदा जिदां शेरगिल साहब ने कहा कि पहला मुख्यमंत्री अपने हिसाब नाल बंदे लाउंदे रहे है चीफ सैकटरी भी अपने हिसाब नाल अपनी सुविधा दे मुताबक लाउंदे रहे है ते इस कोई दो रामा नहीं कि जेडे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेडे सेंटर गवर्नमेंट के ज मोदी साहब की जी सरकार है वो ते दिल्ली की जी केजरीवाल की सरकार है तो उन्होंने आपस के जोड़े संबंध ने वो बहुते ठीक नहीं यदा सब तो व्डा जोड़ा है कारण ओके ये है कि उत्थे जी है सेंटर की जी सरकार है वो प्रॉपर उन्होंने जोड़ा काम कर उमें खुल नहीं दिंदी जिमें पहलिया सरकार भावें विरोधी धिर दरकार होंगे से वो खुल मिलती रही सी ओके अगली गल जिस तक गरेवाल साहब ने MCD की गल की है MCD के हूँ भी BJP है तो MCD एक बॉडी कारपोरेट जिदा कारपोरेशन है वह तो वो एक कारपोरेशन का एक कंस्टीट्यूशन अपना एक सीमित दायरा है तो शहर की जी शहर की जी है चलो वह एक एक क्योंकि उत्थे NDMC अलग है MCD अलग है तो वह अपने हिसाब न काम करती है मेरा ख्याल उन्होंने सरकार के लैवल पर नहीं देखा जाना चाहिए इस गल
सरकार दे लेवल ते नहीं देखा जी। ओके ग्रेवल जी, जदों आपां अधिकारां दी गल करदे आ, इह वी बड़ा डिबेटेबल इशू है कि की जिहड़े गवर्नर हैगे आ उहनां नूं इन्ने अधिकार होने चाहीदे, किहड़ियां इलैक्टेड वे नाल चुणियां सरकारां आ उहनां ते जिहड़ा अंकुश ला लैण। नहीं नहीं देखो, जिहड़े फुल स्टेट दा जिहदे कोल दर्जा हैगा जी जी, उन्हां दे विच गवर्नर नूं अलग अधिकार ने। इत्थे इह यूटी हैगी आ, यूनियन टैरिटरी आ, स्टेट उह नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਸ਼ਿਰਗਲ ਜੀ, ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਡੈਸਪਰੇਟ। ਓਕੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ। ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਾਓ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ 96, 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਿਰਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਤਾ, ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਹੀ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇਪਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋਪਿਆ ਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲੈਫਟ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਲਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਢਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, 4-5 MLA ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਉਧਰਾਪਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਉਧਰਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਓਕੇ ਸ਼ਿਰਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, 1958 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕੈਨ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਵਰਡ
कि वह कहते क्योंकि यह गुजरात का एक्ट आ दैट मीनस फार्मर मीनस द गुजरात फार्मर देवर गोइंग टू परपसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देवर डिनाइंग द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लिटरल लॉ कुछ कहता है यह नरेंद्र मोदी जी का पुराना स्टाइल असी वह केस गुजरात हाईकोर्ट जितने सुप्रीम कोर्ट हैगा केस चाहते हैं कि चाहते बिल्कुल इलीगल आई एम इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट चर्चा अपने मेहमान कर रहे हैं केंद्र के अंदर जितों तक मोदी सरकार का सवाल है केजरीवाल दिल्ली की सरकार है कई अहम मुद्दे है जिन्हें लैके दोनों च टकरा है जे गल करते हैं आप उतों के कानून मंत्री तोमर दी डिग्रियां का जिदा साढ़े मेहमान ने भी कहना कि मामला अदालत दे विच है पर एक गल बड़ी साफ है कि जे भारत अपने आप नूं बड़ा जमहूरी का झंडा बरदार मुल कहिंदा है तो इतों दीआं राष्ट्रीय पार्टियां नूं एक दूजे की होंद नूं भी प्रवान करना चाहिए यह सही है केजरीवाल मुख्यमंत्री ने तो उन्हां नूं अपने अधिकार खेत्र का भी पता होना चाहिए तो लोगों नाल जिहड़े कीते वादे आ उन्हां दी जानकारी भी होनी चाहिए है पर ये भी नाल है कि मोदी सरकार उसनू भी इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि जिदा एमरजेंसी वेले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विरोधी सरकार बाहां मरोड़ियां सी ये विरोधी सरकार की बाहां मरोड़ की नीति भी छड़ देनी चाहिए है। इन्हां मामलों पर मैं गलबात करन दे लई अपने तिना मेहमानों का धन्यवादी हाँ और अज की बहस बारे कोई भी प्रोग्राम ज राय देने दे बारे साढ़े प्रोग्राम का पता है जगतार सिद्धू @ globalpunjabtv.com